इंसान का नाक कितने तरह की स्मेल को सूंघ सकता है? नाक का शेप नीचे की ओर ही क्यों होता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं होता? हम सांस नाक से लें या मुंह से? दुनिया में इंसान के नाक कितनी तरह के हो सकते हैं? मरने के बाद उस डेड बॉडी के नाक में रुई क्यों डाली जाती है? तो दोस्तों, अभी नाक के बारे में आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आप अपनी नाक कभी नहीं कटवाना चाहेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। फैक्ट नंबर वन, हमारे नाक 5 मसल से मिलकर बने होते हैं। 5 इंद्रियों में से एक, सिर्फ नाक ही मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसके कारण ही कुछ स्मेल को सूंघते ही हमें दूसरी चीजों की याद आने लगती है। इंसान की नाक लगभग 50,000 किस्म की गंध को सूंघ सकती है। आपकी नाक हवा में खतरनाक रसायनों का पता लगाने में भी मदद कर सकती है। 3 तरह की गंध एक साथ सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है। 7 सुरों की तरह हजारों किस्म की सुगंधों में 7 ही बुनियादी सुगंध होती है, यानी मस्की, कस्तूरी जैसी, बदबूदार, तीखी, कपूर, हल्की, फूलदार और मिट्टी। लोगों का मानना है कि डर केवल महसूस किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। डर की भी अपनी एक स्मेल होती है और इस स्मेल को नाक सूंघ भी सकता है। साइंस की भाषा में सूंघने को ऑल्फैक्शन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, मनुष्य नाक से नहीं सूंघता, नाक तो केवल एक जरिया होता है। नाक गंध को ऑल्फैक्टरी नर्व द्वारा मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है। ये नर्व हमारी नाक से मस्तिष्क तक सिग्नल लेकर जाती है। इस सिग्नल को पहचानकर मस्तिष्क गंध का आभास कराता है। मनुष्य एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाओं की मदद से गंध को समझ पाते हैं, जिसे ऑल्फैक्टरी नर्व सेल कहते हैं। ये एक सामान्य मनुष्य में करीब 12 मिलियन की मात्रा में मौजूद होते हैं। हालांकि उम्र के साथ ये घटता जाता है। कोई दो व्यक्ति किसी एक चीज की समान गंध नहीं ले सकते। फैक्ट नंबर 3, छींकना शरीर की ऐसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसे रोकना नामुमकिन है। हम नींद में कभी भी नहीं छींक सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन सेल्स के कारण हम छींकते हैं, वे सेल्स उस वक्त सो जाती हैं। मनुष्य की छींक की स्पीड पता है कितनी होती है? 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इस छींक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो करीब 5 फीट तक जा सकते हैं। एक सिंगल छींक से वातावरण में करीब 1,00,000 कीटाणु फैल जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन नाक से सांस लेने पर नाक हवा को फिल्टर करने में मदद करता है, जो धूल कण और गंदगी को शरीर में नहीं जाने देता। इसके साथ साथ नाक म्यूकस की मदद से हवा को शरीर के तापमान के हिसाब से गर्म करके शरीर के अंदर भेजता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर फिल्टर नाक को ही माना गया है, इसलिए आज के बाद नाक से ही सांस लेना। फैक्ट नंबर 5, मृत शरीर को नहलाकर उसके नाक और कान में रुई डाल दी जाती है। आपने देखा ही होगा, इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। मृतक शरीर के अंदर कोई कीटाणु न जा सके, इसलिए नाक और कान को रुई से बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा मृत शरीर के नाक से एक द्रव निकलता है, जिसे रोकने के लिए भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, महिलाओं की नाक 15 से 17 साल की उम्र तक और पुरुषों की नाक 17 से 19 साल की उम्र तक बढ़ती रहती है। उम्र के साथ नाक का सिरा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे लटकता जाता है। नीचे लटकने का कारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा प्रोटीन, कोलाजन और त्वचा की इलास्टिन का टूटना होता है। फैक्ट नंबर 7, औसतन पुरुषों की नाक महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा बड़ी होती है। महिलाओं में सूंघने की क्षमता आदमियों की क्षमता से अधिक होती है। हर रोज लगभग 20,000 लीटर हवा हमारे नाक के अंदर से होकर शरीर में जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी चीज का स्वाद 80% उसके महक पर आधारित होता है। जिन लोगों की सूंघने की शक्ति तेज होती है, उन्हें हाइपरऑस्मिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, डॉक्टर अब्राहिम तामीर ने दुनिया भर से 1793 लोगों के चेहरे का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि मनुष्यों के नाक केवल 14 तरह के होते हैं। शरीर में जिंक की कमी से सिर्फ बाल झड़ने की समस्या ही नहीं, बल्कि सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। आपने नाक की सर्जरी के बारे में तो सुना होगा। मेडिकल की दुनिया में नाक की प्लास्टिक सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन नाक किसकी है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। इस धरती पर सबसे सुंदर नाक कैट नाम की महिला की है, क्योंकि विशेषज्ञों ने इनकी नाक को गणितीय रूप से परफेक्ट माना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में सबसे लंबी नाक तुर्की के मेहमत ऑजियोरक का है, जिसके नाक की लंबाई 8.8 सेंटीमीटर है। न्यूजीलैंड के मायोरी प्रजाति के लोग एक दूसरे की नाक को दबाकर और बंद करके बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। फैक्ट नंबर 10, फिंगरप्रिंट की तरह हमारी स्मेल प्रिंट भी अलग होती है। गर्भवती औरतों के नाक बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। नवजात शिशु अपनी माँ को उसकी महक से पहचानते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद सूंघने की शक्ति अपने आप कम होने लगती है और 80 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य की सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये थे नाक के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।